हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैद्य चैताली पवार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्त्री रोग प्रसूति तंत्र. सो स्टूडेंट्स, टुडे आर टॉपिक विल बी रिलेटेड टू स्त्री रोग एंड द टॉपिक्स नेम इज असरिग्धरा. सो लेट स्टार्ट विथ इट. सो व्हाट इज असरिग्धरा? व्हाट यू मीन बाय असरिग्धरा? The definition and the etymology is here. According to Ayurvedic text, Asarigdhara is the references are Charak Samhita, Sushrut, Ashtang Hruday, Harit Samhita. So according to the Ayurvedic text, the etymology of Asarigdhara is Asarig means blood, and Dhara refers to excessive bleeding per vaginam. So when there is a disturbance in a normal menstrual cycle, means menstrual cycle जो अपनी होती है वो 4 से 5 दिनों की 30 days to 28 to 30 days के interval में repeat होती है, that is a normal menstrual cycle. So तो वो ऋतु चक्र में जब हमारा ऋतुकाल जो है वो बढ़ जाता है, यानी the prolongation of the duration of menses in a 4-5 days ka bleeding 7 to 8 days 9 days 10 days tak chalta hai, so that is a prolonged period of menstruation. And second is excessive bleeding per vaginam, means bahut zyada bleeding hona, clots girna, ye sab excessive bleeding mein aata hai aur uske sath associated symptoms rehte hain. So असरुग दीर्यते और प्रकर्षणे दीर्यते इज असरुग्धरा. प्रकर्षेण दीर्यते इति असरुग्धरा. सो द सिनोनिम्स आर आल्सो द सेम. प्रदीर्यते इति प्रदरा. इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्यापद एंड रक्तयोनि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक टेक्स्ट. सो दीज आर द सिनोनिम स्टूडेंट्स. ओके, सो दे मे आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग Pradhara also, Rakta Yoni also. So you have to answer according to the Asarigdhara. Okay. So next is the Hetus of Asarigdhara. So they are divided into two, Aharaj and Viharaj Hetu. So Aharaj Hetu is, we can note it as a consumption of Lavan, Amla and Katurasa. So what is lavanda rasa? Excessive consumption of lavanda rasa that has excessive salt in it. Okay, sea salt as a preservative. That is apna aam ka achar, imli ka achar, koi bhi achar. Phir amla ras, excessive use of vinegar, tamarind, excessive use of amla rasa in form of what we call is कोई भी खट्टा कर्ड, खट्टी चीज़ें. ओके ओके, दही जो है वो खट्टा हो गया है, सो वो इट इज़ ऑल आम्ल रस. देन लवण रसा वी कैन रेफर टू प्रोसेस चीज़ विच हैव एक्सेसिव लवण रसा इन इट. कटु रसा एंड दीज ऑल द होल जंक फूड. ओके, पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, रगड़ा पैटिस, एवरीथिंग इट कम्स इन विदाही फूड. ओके, देन अगेन नॉन वेजिटेरियन आल्सो कम्स इन विदाही फूड. एक्सेसिव यूज ऑफ रेड मीट, चिकन, फिर फिश, ये सब एक्सेसिव नॉन वेज फूड आप अगर ले रहे हो तो आहार हेतु में आ जाते. और जो फूड है वो स्निग्ध है, बहुत गुरु है, पचने में बहुत दिक्कत से पचता है, ऐसे चीज़ों को गुरु और स्निग्ध बोलते हैं. यानी बहुत ज़्यादा घी का सेवन, बहुत ज़्यादा मिठाई, एक्सेसिव स्वीट्स, तला हुआ, यानी बहुत ज़्यादा कचौरी है, समोसा है, पकोड़ाज है, ये सब गुरु और स्निग्ध में आ जाते हैं. फिर इसमें ब्रेड भी इंक्लूड होता है, विदाही में भी ब्रेड इंक्लूड होता है, आमला रस भी ब्रेड इंक्लूड होता है. सो दिस इज ऑल एक्सेसिव यूज ऑफ मैदा. ओके,
एंड फर्मेंटेड फूड ऑल्सो कम्स इन विदाही फूड. सो एक्सेसिव यूज ऑफ दैट, देन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ऑन डेली बेसिस, और नॉट अ डेली बेसिस बट मंथली ट्वाइस थ्राइस विथ, देन वी कैन ऑल्सो गिव अ डिरेक्शन टूवर्ड्स बिवरेजेस, कोल्ड बिवरेजेस मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स. सो उसमें सोडा है, सो दैट इज ऑल्सो विदाही फूड. ओके, सो कंजम्पशन ऑफ सूरा, मस्तू, अल्कोहल, ऑल योर एरेटेड ड्रिंक्स, इट कम्स अंडर दैट. देन विरुद्धासनात मीन्स आप मिल्क शेक्स रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो जिससे रक्त दृष्टि होती है, पित्त दृष्टि होती है. तो मिल्क शेक्स हैं जो फ्रूट और मिल्क हम लोग अगर एक साथ ले तो विरुद्धान्न होता है. अध्यसन यानी पहले का डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है और फिर से आप टॉपअप खा रहे, सो दैट इज अध्यसना. दैट मेक्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक. ओके, सो दैट इज अध्यसना. अजीर्णाशन यानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दोपहर का और शाम में खा रहे, शाम का डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, रात में खा रहे, और ये सब सर्कल में पूर्णा पूरा अजीर्णाशन हो जाता है. यानी फिर बाद में कुछ भी खाओ अजीर्ण नहीं होता है. यानी क्या, इनडाइजेशन यानी जो खाया हुआ है वो पचना नहीं, उसका आम से आम निर्मिति होना, या फिर बहुत सारे खट्टे डकार आना, रुल्लास जैसा होना, छर्दी जैसा होना, फिर पेट में गैस की वजह से दुखना, ये सब अजीर्णाशन के लक्षण हैं. ओके, इनडाइजेशन. और आपको जो स्टूल्स या मोशंस होने चाहिए वो भी ठीक से नहीं होना, ये सब अजीर्णाशन में आता है. सो दीज आर द आहार हेतु ऑफ असरेगदर, एंड दीज आर लाइक इन एक्सेसिव आप कर रहे हैं ये सब आहार हेतु में ले रहे और बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक ले रहे, यानी ऐसे साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 10 साल ऐसे चल रहा है. सो इट इज़ ऑल आहार हेतु, विच इज़ अ हेतु ऑफ असरेगदर. फिर बाद में हम लोग में आते हैं विहार हेतु में. सो विहार हेतु इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, नॉट अ डेली मीन्स हमेशा हम लोग देखते हैं कि अबॉर्शन हुआ, सो थ्रेटन अबॉर्शन है, फिर मिस्ड अबॉर्शन है, वो सहज हेतु में आते हैं, वो नहीं है. हमने इंड्यूस किए हुए यानी अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन किए हैं पिल से या डीएनसी से. सो उससे क्या होता है, जो गर्भाशय है उसको क्षत होने के कारण गर्भाशय हमारा दुर्बल हो जाता है, दौर्बल्य आ जाता है उसमें. ओके, फिर वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो जो एंडोमेट्रियल लाइन हम लोग बोलते हैं यानी क्षेत्र, असरगदर यानी आयुर्वेद के अनुसार वो क्षेत्र में आता है, ऋतु क्षेत्रांबु बीजानाम. सो वो क्षेत्र में आ जाता है, तो वो क्षेत्र की विकृति होती है क्षत होने के कारण, वहाँ पे गर्भ आ जाता है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है और हम लोग इंड्यूस एबॉर्शन करवाते हैं. एक तो गोलियों से करवाते हैं या फिर डीएनसी करवा के करते हैं. सो वहाँ पे क्षत होने के कारण जो एंडोमेट्रियम थिक अच्छा इम्प्लांटेशन के लिए बनना चाहिए वो नहीं बनता, वो थिन हो जाता है, और थिन होने के बाद उसमें प्रोलिफरेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता, और हो भी गया तो बहुत ज़्यादा होना. ओके, वहाँ पे कोई पॉलिप या फाइब्रॉयड आ जाना. ओके, सो दैट इज गिव राइज टू एक्सेसिव ब्लीडिंग. सो वहाँ पे क्षत होने के कारण वहाँ पे अर्बुद छोटा सा या पॉलिप, वहाँ पे सिस्ट, ऐसे सब आ जाते हैं. सो द हेल्दी जो एंडोमेट्रियम है वो ठीक से नहीं बन पाता और एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम बन जाता है. ओके, उसकी थिकनेस भी बाद में बढ़ जाती है. सो दिस ऑल गिव राइज टू असरेगदरा. एक्सक्लूसिव इंडलजनस सेक्स, अति मैथुनात, यहाँ पे अपान वायु का काम है, तो अपान वायु के कार्य क्षेत्र में अति मैथुनात आता है, तो अपान वायु बहुत ज़्यादा उससे उसका प्रकोप हो जाता है व्हेन यू इंडलजन सेक्स. देन अगेन अति मैथुनात, अध्यशनक के बाद अति मैथुन किया तो जो खाया हुआ इंडाइजेस्टेड फूड है उसके कारण वापस समान वायु भी, अपान वायु भी, और पित्त प्रकोप, ये सब होने के कारण भी असरेगदर के जो संप्राप्ति हम लोग देखेंगे उसमें आ जाएगा, ये प्रकोप हो जाते हैं. एक्सेसिव ट्रैवलिंग इसमें कहाँ पे, अभी बहुत जो महिला है या वुमेन है
दे आर सर्विंग द सोसाइटी, दे आर इन टू आई टी, दे नीड टू ट्रैवल. वो एक रिक्वायरमेंट हो गई है आई टी इंडस्ट्री की, या बिजनेस ट्रिप्स रहते हैं, सब रहता है. सो दैट इज़ एक्सेसिव ट्रैवलिंग. सो उसके कारण अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक से नींद नहीं होती, द शेड्यूल इज़ नॉट फॉलोड प्रॉपरली, द फूड इज़ नॉट कंज्यूम्ड प्रॉपरली, घर का खाना नहीं होता, बाहर का खाना होता है. आप ट्रैवल कर रहे हो ओवरनाइट, आप जेट लैग हो रहा है अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो. सो दिस इज़ ऑल लीडिंग टू एक पित्त प्रकोप, रक्त प्रकोप, रक्त दुष्टि, पित्त प्रकोप और कफ वात का प्रकोप. सो एक्सेसिव ट्रैवलिंग एक विहारज हेतु हो गया है. और उसमें अगर एक्सेसिव ट्रैवलिंग में आप लोग देखें तो आप अगर दोपहर में बाहर जा रहे हैं कंटिन्यू, आप बाहर आपकी जो ड्यूटी है वो एक सेल्स गर्ल भी हो सकते हैं, सेल्समैन भी हो सकते हैं. सो उनको धूप में चलना है, घूमना है, फिरना है. सो दैट अगेन कॉजेस पित्त प्रकोप. शोक, ग्रीफ, यानी बहुत महिलाओं को इमोशनल, जो सेंटिमेंटल रहते हैं इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं. कोई छोटी चीज़ का भी शोक करना, ग्रीफ, या घर में कोई डेथ है, ये हो गया है. सो दिस हैज़ बिन सीन के एक मानसिक आघात भी होता है, दूसरा ठीक से नींद नहीं होती, ठीक से खाना पीना नहीं होता. सो तुरंत पित्त प्रकोप होता है, रक्त दुष्टि होती है. सो शोक उसमें आता है. अतिकर्षण आती है, यानी बहुत लेडीज़ को स्लिम ट्रिम जीरो फिगर रहनी चाहिए ऐसे लगता है. तो बहुत ज़्यादा उपवास, यानी डाइट. सो डाइट करना है तो ठीक से खाना पीना नहीं है, जो खाना है वो बहुत ही कम मात्रा में, और जो भी है वो बहुत ही अनहेल्दी फूड कंज्यूम किया जाता है. सो अतिकर्षण आता है, ओके. उससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है. वेट लॉस के कारण जो धातु है वो हमारे जो धातु जो बनते हैं वो ठीक से बन नहीं पाते, वात का प्रकोप होता है और फिर असरिक दर आता है, दीवा स्वप्ना. सो दिस इज अगेन गुरुता बढ़ती है, स्निग्धता बढ़ती है, इससे रक्त दुष्टि होती है, कुछ मात्रा में आपका कफ भी दुष्ट होता है, पित्त दुष्ट होती है. सो दिस इज दीवा स्वप्न एंड दिस गिव्स राइज टू असरुग दरा अगेन. ओके, सो वी हैव सीन इनफ ऑफ हेतु ऑफ असरुग दर. सो सी अकॉर्डिंग टू चरकाचार्य द कॉज और द हेतु, दीज हेतु इट कॉजेस पित्त प्रकोप. द पित्त प्रकोप कॉजेज रक्त दुष्टि एंड रक्तवर्धन. द पित्त जो प्रकोपित हुआ है वो एक तो रक्त दुष्टि करता है, और उसके लिए उसके कारण से जो रक्त दूषित हुआ है उसका रक्त का वर्धन भी होता है, और जो वर्धन होता है वो दूषित रक्त है, इट इज़ नॉट अ गुड रक्त, ओके. और दूसरा है प्रकोपित पित्त जो कवर करता है वायु को और वात प्रकोप कर देता है. तो फिर लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ये निदान सेवन या हेतु सेवन से ये जो अभिशंधि, पित्त प्रकोपक आहार विहार हम लोग करते हैं, यानी असरक दर होता है, तो पित्त प्रकोप हो जाता है. वो पित्त प्रकोप दो तरीके से दूषित करता है, एक तो रक्त को दूषित करता है, दूसरा वात को दूषित करता है. रक्त को दूषित करने के कारण रक्त का वर्धन हो जाता है, यानी रक्त का एक्सेस रक्त बढ़ जाता है, और जो बढ़ता है वो दूषित रक्त बढ़ता है, यहाँ वायु को भी विषेट कर देता है एंड वात प्रकोप हो जाता है. तो ये जो वायु जो प्रकोपित है, विषेटेड है, वो वायु अगेन अमाउंट ऑफ रक्त को इंक्रीज करता है रक्त धातु में जाके. सो दस द एग्रीवेटेड वायु विथहोल्ड्स द विषेटेड एंड प्रकोपित रक्त एंड मूव्स इन द बॉडी. तो स्थान संश्रित हो गए. सो स्थान संश्रित कहाँ पे होता है? गर्भाशयगत सीरा में, रजोगत सीरा. तो रजोगत सिरा में पहले से ही रक्त मौजूद है, दैट इज अ गुड रक्त, राइट, दैट इज अ गुड ब्लड. सो हियर द असरुग, ओके, इन द रजोगत सिरा इट इज मिक्स्ड विद द इंक्रीज अमाउंट ऑफ दूषित रक्त. सो जो दूषित रक्त है और अदूषित रक्त है ये मिक्स हो जाता है, और फिर टोटल अमाउंट ऑफ असरुग इंक्रीज होता है, और वो पित्त वृत्त अपान वायु प्रकोप हो जाता है.
या वो जगह जो है गर्भाशय की, कटी की, वो अपान वायु का क्षेत्र है, अपानो अपानगा। सो अपान वायु प्रकोपित होता है, और फिर ये जो बड़ा हुआ रक्त है वो अपान वायु के कारण, प्रकोप के कारण, बहुत अति मात्रा में एक्सेसिव एक्सक्रीट होता है और उसको असरुपतर बोलते हैं। तो यहाँ पे अपान वायु प्रकोप है, दूषित रक्त का प्रकोप है, और पहले पित्त का प्रकोप है। तो उसके कारण जो बहुत, अगर उसमें अपान का ये वातज असरुपदर है, तो वहाँ पे जो दर्द है यानी कटी में, थाइज में, वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, हम लोग ये प्रकार में देखते हैं क्लासिफिकेशन में, सो क्लासिफिकेशन में। तो वहाँ पे अगर वात प्रकोप है यानी वातज असरुपदर ज़्यादा है, तो वातज असरुपदर में जो रक्त निकलता है वो पलाश पुष्प संकाशम रहता है, यानी डार्क रेड टू ब्राउनिश कलर, फेनियल रहता है, रुक्ष रहता है, डार्क रेड कलर का रहता है। और उसमें वात प्रकोप के कारण सीवियर लो बैक एक, थाई पेन, कटी पेन, फिर इंग्वाइनल रीजन, सेक्रल पेन, ये सब आ जाता है। ओके, सेकेंड इज पित्तज असरोगदर। तो पित्तज असरोगदर में हमेशा ये देखा गया है कि ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेश ब्राइट रेड कलर रहता है। सेकेंड है गर्म लगता है, वजाइना, सर्विक्स, फिर प्यूबिस, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ रहता है, रेज्ड बॉडी टेम्परेचर रहता है। ओके, फिर उसी के साथ बर्निंग सेंसेशन आता है हाथ में, पैर में। ओके, एक्सेसिव थर्स्ट, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ये सब पित्त प्रकोप वाले लक्षण दिख जाते हैं, दैट इज पित्त असरोगदर। थर्ड इज कफ असरोगदर। सो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग, वो रहता है पर वो लाइट पेल रहेगा, पेल स्टिकिनेस रहता है उसको, और थिक रहता है, कफ की तरह रहता है, और पेन भी स्लाइट कम रहता है, पर उसके साथ कफज प्रकोप के जो लक्षण हैं यानी छर्दी है, रुला से है, डिस्निया है, अरुचि है, ये सब दिखता है। ओके, ये कफज असरोगदर। और फिर सन्निपातिक असरोगदर, दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ वात पित्त एंड कफा। पेशेंट बिकम्स वीक बिकॉज ऑल थ्री दोषाज आर इंक्लूडेड। द जो ये असरग बाहर आएगा, द फ्लो हैज़ अ बैड ओडर, पिशलता, येलोइश, सो ये थोड़ा असाध्य की तरफ जाता है। सो द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ असरग दर, सो द बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी स्तंभना, यानी क्या, रक्त स्तंभन चिकित्सा है, इट इज इम्पॉर्टेंट इन असरग दर। सी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रक्त पित्तता, दैट इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इट इज सूटेबल फॉर रक्त प्रदर और असरिक दर। उसके साथ वात शमन करना है, पित्त शमन करना है, शीतल उपचार करना है, शीतल अन्नपान लेना है। शीतल उपचार यानी बाहर की ट्रीटमेंट जो है वो, जो मेडिसिन रहेंगे वो कूलेंट रहेंगे, अन्नपान भी आपको कूलेंट फूड बीवरेजेस ऐसे ही लेने हैं, और उसमें जो अन्नपान आएगा वो बीवरेजेस में हम लोग नींबू का शरबत ले सकते हैं, कोकम का नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में शरबत ले सकते हैं, सब्जा का पानी ले सकते हैं, धना जीरा का पानी ले सकते हैं, दीज आर ऑल कूलेंट्स। हम लोग क्वाथ भी कर सकते हैं, तो ये सब, पर ये अन्नपान में नहीं आएगा, वो क्वाथ कल्पना अलग से आ जाएगी। और उपचार हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग लेप लगा सकते हैं रक्त चंदन का, चंदन का, सारीवा का, तो ये सब कूलर्स है। ओके, और उसके लिए हम लोग बॉडी पे लगा सकते हैं। सो दीज आर द कूलिंग ट्रीटमेंट उपचार के लिए। और हमेशा टू अरेस्ट द ब्लीडिंग, कषाय रस इज यूजफुल, इट हैज अ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, सो दोज हर्ब्स शुड बी ग्रेटर इन यूज। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चिकित्सा, शोधन चिकित्सा एंड शमन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा में हम लोग देख सकते हैं कि बस्ती प्रयोग जो है वो बहुत ही लाभप्रद है। ये अपान वायु का क्षेत्र है, अपान वायु में ये व्याधि का प्रादुर्भाव है, तो अपान वायु को शांत करने के लिए तुरंत बस्ती जैसे कोई चीज़ नहीं। तो बस्ती के लिए हम लोग क्या क्या बस्ती दे सकते हैं देखते हैं। तो बस्ती इज बेनिफिशियल आफ्टर 2-3 निरोह बस्ती, उत्तर बस्ती, ये सब जो है ये हमेशा बस्ती हम लोग ऋतुकाल में देते हैं, फर्स्ट ये थी, ये याद रखो। ओके, पर इमरजेंसी में हम लोग कभी भी बस्ती दे सकते हैं।
जो उत्तर बस्ती है, निरुआ बस्ती है, वो ऋतुकाल में दो, नॉर्मल बस्ती वाले हम लोग कभी भी दे सकते हैं। उसमें अस्थापन रासनादि अस्थापन बस्ती है, चंदन आदि निरुआ बस्ती है, मधुकादि अनुवासन बस्ती है, और लोधरा आदि अस्थापन बस्ती है। ये सब हर्ब्स और ये करके हम लोग बस्ती दे सकते हैं। तो बस्ती चिकित्सा से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वमन प्रयोग कर सकते हैं। वमन इज मेंशन फॉर अधोगे रक्तपित्त, मदन फल से, शक्तु से, इक्ष्वाकु रस से हम लोग वमन दे सकते हैं। नस्य प्रयोग, नस्य प्रयोग यानी शुद्ध गोघृत, वासा, वासा का स्वरस, शतावरी घृत। हमने देखा है कि नेजल ब्लीडिंग में भी वासा का घृत डालो, ऐसा स्वरस डालो, तुरंत रक्त रुक जाता है, रक्त स्तंभन है, इटैक्स ऑन द कैपिलरी लेवल। सो वासा का घृत करो, शुद्ध घृत डालो, इसका नस्य प्रयोग भी बहुत ज़्यादा फायदे देता है। सिंगल जो हर्ब्स है, मैं बोलूँगी कि सिंगल हर्ब्स है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कषाय और कटु रसात्मक है। तो उसमें लोधर है, मोचरस है, लज्जालो, बलह, वोक्षूर, सारीवा, उशीर, चंदन, द्राक्षा, ये सब नागकेशर है। तो ये सब सिंगल हर्ब्स हैं, दोज आर यूजफुल इन अस्थमा। सारीवा है जो पित्त कम करती है, गोक्षूर है जो बहुत ज़्यादा अपान क्षेत्र में कार्य करके मूत्रल है, शीत है गोक्षूर, और वहाँ का जो हम लोग बोल सकते हैं कि स्रोतोरोध दूर करने वाली है गोक्षूर, उसके लिए मोचरस और लोधर जैसे है, कुट्टस जैसे एस्ट्रिंजन यानी कषाय रसात्मक द्रव्य है, धात की है। सो यू शुड यूज दिस। सो आयुर्वेदिक कल्प है, आयुर्वेद कल्प में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पुष्यानुग चूर्ण है। वो पुष्यानुग चूर्ण है जो है वो दो टाइम अपान काल में दिया जाता है, एक तो सुबह एम्प्टी स्टमक विद तंडुलोदक, एंड इन द इवनिंग 5 to 6 विद तंडुलोदक। वो एडमिनिस्टर यानी मुंह से लिया जाता है और उसमें हनी शहद मिक्स किया जाता है। पुष्यानुग चूर्ण इज गिवन टू द पेशेंट, इट हैज एक्सेलेंट रिजल्ट्स। सो शतावरी घृत है, शतावरी घृत भी हम लोग अपान काल में ले सकते हैं, और वो चीनी और दूध के साथ उसका अनुपान है। सो इट गिव्स एक्सेलेंट रिजल्ट। अशोक घृत, अशोक तो हमें पता है स्तंभन करने में कषाय रसात्मक एक प्रधान द्रव्य है, और अशोक सिर्फ जो द्रव्य है वो सिर्फ रक्त स्तंभन नहीं करता, वो रक्त स्तंभन करके जो यूटरस है यानी गर्भाशय है उसको हम लोग बोलते हैं बल देता है, बल प्रदान करता है। इट इज़ अ यूटेरो टॉनिक। सो अशोक शुड बी यूज्ड। सो अशोक का बहुत ज़्यादा है यूज, अशोक घृत यूज़ करते हैं, अशोक अरिष्ट यूज़ करते हैं, अशोक शीर्पाक यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंगली रुग्ण की प्रकृति, रुग्ण की डाइजेशन की कैपेसिटी और व्याधि अवस्था, ये देख के अशोक घृत, अशोक अरिष्ट या अशोक शीर्पाक हम लोग वाइजली यूज कर सकते हैं। सो नाउ रस योग है यानी पारद और गंधक से कजली और ये सब मिला के और मिनरल्स यूज करके रस योग बनाए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रकला रस है, ये बहुत ज़्यादा फायदे देता है। प्रदर रिपु है, प्रदर रारी रस है, प्रदर अंतक रस है, ये इसकी वटी रहती है, कुटी वटी, तो उस वो यूज़ करके हम लोग गर्म पानी के साथ अनुपान दे के या तंडुलोदक के साथ अनुपान दे के या फिर अशोकारिष्ट या अशोक शेरपा का अनुपान दे के हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, और इसका भी रिजल्ट्स अमेजिंग है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ ब्रीफ ऑफ असरिगधरा। द मेन इज असरिगधरा हेतु, देन संप्राप्ति, या आप चार्ट जो मैंने दिया है आप वैसे फॉलो कर सकते हैं, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ असरिगधरा एंड अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और ये जो योग है वो भी आप ध्यान रखो, आयुर्वेदिक कल्प ध्यान रखो। सो
तरह ये मॉडर्न में लिस्टर ब्यूटेराइन ब्लीडिंग से कंपेयर होता है, DUB उसको बोलते हैं। उसमें अंडरलाइंग पैथोलॉजी कुछ रहती नहीं, यानी देर इज़ नो पॉलिप, देर इज़ नो फाइब्रॉयड, देर इज़ नो सिस्ट, देर इज़ नो एंडोमेट्रियोसिस, नथिंग अंडरलाइंग पैथोलॉजी। द हॉर्मोन्स लेवल्स आर फाइन, और फिर भी पेशेंट को एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग होती है, यानी असरिग्धरा होता है। सो इट इज़ रिलेटेड टू असरिग्धरा एंड डिस्टर्ब यूटेराइन ब्लीडिंग, विथ रेफरेंस टू डिस्टर्ब यूटेराइन ब्लीडिंग। सो दोनों ऐसे अगर हमको साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो यू शुड फॉलो द ट्रीटमेंट ऑफ असरिग्धरा, बट इट शुड बी फॉलोड विद द अवस्था। व्याधि अवस्था क्या है? रुग्ण का बल, रुग्ण बल, व्याधि बल, और रुग्ण की हम बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, कितना पचन कर पाता है, उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। और एक बात, सो शमन चिकित्सा में ही हम लोग ये सब ले सकते हैं, रसयोग, आयुर्वेदिक कल्प, सिंगल हर्ब्स की यूज, ये सब शमन चिकित्सा में ही आएगा। उपद्रव है इसके, बहुत ज़्यादा असरकादीरन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो उसकी वजह से पेशेंट को, यानी रुग्ण को, पहला तो है पांडु, यानी रसक्षय, रक्तक्षय, बहुत ज़्यादा दौर्बल्य, बहुत ज़्यादा जो है कृश हो जाता है। उसके बाद मूर्छित होना, फिर पिंडी को उद्वेष्टन, ये सब जैसे व्याधि की वजह से पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म ये उपद्रव दिखते हैं। सो वो ना हो, इसलिए वी हैव टू ट्रीट असरिग्धरा फर्स्ट, बिकॉज असरिक यानी रक्त यानी जीवन। सो आपके सर्कुलेशन में जितना रक्त की मात्रा रहनी चाहिए, अगर वो कम हो गई तो आपको पहला सिम्टम आएगा, वो है डिजनिया ऑन एक्सर्शन, यानी श्रम श्वास। अगर वो लग रहा है बहुत ज़्यादा असरिग्धरा, जैसे आपके ट्रीटमेंट लक्षण लग रहे हैं, डिजनिया ऑन एक्सर्शन है, फिर गिडिनेस है, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस के कारण आपको चक्कर, भ्रम जैसा हो रहा है। तीसरा है मूर्छित होना, अरुचि, फिर ये सब जो है रस रक्तक्षय के आपको जो है लक्षण दिखेंगे। सो दीज आर द उपद्रव ऑफ असरुग्धर। सो असरुग को बचाकर असरुग्धर की पहली ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ स्त्री रोग। ओके। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जस्ट लेट मी नो थ्रू द ईमेल और थ्रू द व्हाट्सएप थिंग। यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क मी एनी क्वेरीज यू हैव, एंड दिस इज अ सफिशियंट डिस्क्रिप्शन ऑफ असरिग्धरा। ओके, सो ओके देन जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।